भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद अमोल गोगे की 7 वर्षीय लड़की युक्ति गोगे की कूलर का शॉक लगने से दुर्दैवी मृत्यु हुई। सोमवार सुबह युक्ति के पार्थिव को पंचतत्व में विलीन किया गया। घटना के कारण पूरे परिसर में मातम पसरा हुआ है। कूलर का शॉक लगने के कारण पिछले सप्ताह में 2 जनों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह देखते हुए कूलर का उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी हो गया है। शहर में तपती गर्मी से अब लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में लोग घरों में भीषण गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर का इस्तेमाल करने लगे हैं। घरों में कूलर चलाने से एक बड़ा खतरा करंट लगने का भी होता है, जिसे कई जनों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसी ही 2 घटनाएं पिछले सप्ताह में शहर में हुई है। पहली घटना में गणेश रामराव सोनोने नामक पुलिस कर्मचारी की कूलर का करंट लगने से मौत हुई थी, जो जल्द ही पुलिस सेवा से रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन उसके पहले ही उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। वहीं दूसरी घटना रविवार की रात शिवसेना वसाहत परिसर में हुई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद अमोल गोगे की लाडली बेटी 7 वर्षीय युक्ति गोगे का कूलर का शॉक लगने के कारण दुर्दैवी मृत्यु हो गई। अपने पापा के साथ बाहर से पानीपुरी का आनंद लेकर आई युक्ति घर में खेल रही थी, तब कूलर का शॉक लगने के कारण यह घटना घटी। इस घटना के कारण पूरे परिसर में मातम पसरा था। सोमवार सुबह अत्यंत गमगीन माहौल में उस पर अंतिम संस्कार किया गया। अब केवल युक्ति की सुंदर यादें गोगे परिवार के अंतकरण में शेष रह गई है। घरों में कूलर चलाने से एक बड़ा खतरा करंट लगने का भी होता है। हर साल कूलर का करंट लगने से दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में कूलर इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती है। जैसे ही कूलर में पानी भरते समय स्विच बंद करना, छोटे बच्चों को कूलर से दूर रखना, कूलर को आर्थिंग देना आदि को लेकर शहर के प्रसिद्ध कूलर विक्रेता श्री वखारिया द्वारा आरआरसी न्यूज को जानकारी दी गई। अभी 3-4 दिन से शहर में कुछ घटनाएं, इलेक्ट्रिक करंट लगने, कूलर में करंट लगने से लोगों की जान हानि हो रही है। उसके लिए जाहिर आह्वान है कि कूलर का पानी भरने टाइम प्लग निकाल के आप लगाइए, इलेक्ट्रिक फिटिंग करने टाइम पंप मोटर बदलने टाइम अच्छे कारागिर के पास फिट करिए, घर में एमसीबी का ये देखिए। कूलर समझो ट्रॉली वाला कूलर है आपके पास, उसको हिलाते टाइम चालू कूलर को मत हिलाइए, प्लग वगैरह निकाल के कूलर हिलाइए। लोग जैसा थोड़ा इधर उधर हिलाना है उसमें भी लोग प्लग लगे वाले कूलर ही हिला लेते, चक्के वाले जो कूलर लोग अंदर रख रहे हैं वो भी हिला लेते। कृपया ध्यान रखिए, अभी ये 15 दिन में कम से कम 3-4 घटना हमारे कानों पर भी पहुँची है, इसके लिए ध्यान रखिए। और मेन तो कूलर में जो भी कूलर में फिटिंग करने वाला उसको बोलना अर्थिंग रखिए, अपने घर की कुछ में अर्थिंग रखिए, अर्थिंग जरूरी है। अर्थिंग नहीं रहेगा कूलर में तो करंट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। फाइबर लो या कोई भी लो, अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है।